नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। एक बजे की पहली बड़ी खबर यह है कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल इस वक्त दिल्ली में पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ननकाना साहिब में पाकिस्तान के सिखों पर जुल्म के खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और ये विरोध प्रदर्शन पहले से निर्धारित था और इस वक्त की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और अकाली दल इस वक्त दिल्ली में पाकिस्तान और इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ननकाना साहिब में पाकिस्तान के सिखों पर जुल्म के खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है। भारत ने पहले ही इसकी कड़ी तौर पर निंदा की है। आपको ये भी बता दें कि विदेश मंत्रालय ने सख्त लहजे में पाकिस्तान से कहा है कि पाकिस्तान में सिखों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। तो आपको सुनवाते हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस पर क्या कहा। पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर पथराव हुआ है, उसके बारे में क्या कंडेम करेंगे आप? देखिए, जहां जहां गलत होता है वहां कंडेमनेशन पूरा है। गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में गुरुद्वारे पर पथराव हुआ है, उसके बारे में क्या कंडेम करेंगे आप? देखिए, जहां जहां गलत होता है वहां कंडेमनेशन पूरा है। गलत काम किसी को नहीं करना चाहिए। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के मुजफ्फरनगर पहुंची। वहां वो कुछ लोगों से मिली, इसके बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस पर बर्बरता का आरोप लगा दिया। कि पहली जगह तो मौलाना साहब उन्होंने मुझे बताया कि मदरसे के अंदर के बच्चों को पुलिस अंदर आई, बेरहमी से मारा पीटा है, हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पट्टियां हैं, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे, बहुत बुरी मारा। लेकिन जहां पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़ कर दिया, काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया। उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं, थोड़े माइनर्स भी थे वो भी जेल में इन्होंने डाले। तो यानी प्रियंका गांधी को प्रदर्शनकारियों से बहुत सहानुभूति है, लेकिन कोटा में हुए 107 बच्चों की मौत उन्हें दिखाई नहीं देती, उनकी उन्हें फिक्र नहीं है। प्रियंका गांधी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो एक बार कोटा जा सके और पीड़ितों का हाल पूछ सके। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी वाड्रा उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रियता दिखा रही हैं। इससे पहले वो लखनऊ गई थी, उससे पहले वो मेरठ गई थी, जहां पर उनका ये मकसद था कि हिंसा में जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिवार से मिले। लेकिन उसके बाद जब वो ये कहती हैं कि पुलिस की बर्बरता को लेकर सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, तो वो अपने आप ही सवालों के घेरे में आ जाती हैं। तो कांग्रेस का कहना है कि जहां जहां यूपी में महिलाओं पर जुल्म हुआ, प्रियंका वाड्रा वहां जाकर पीड़ितों से मिली है। हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां भी अगर कहीं जुल्म जाती होती है, कोई घटना ऐसी होती है जिससे कि वो समझते हैं कि वहां जाना चाहिए, तो वहां मुजफ्फरनगर आज गई है। तो उसी कड़ी में इसको देखिए, वो कहीं भी कोई ऐसी घटना होती है नहीं छोड़ती है, जाती है, पहुंचती है। तो फिलहाल तो हम आपको ये बता दें कि प्रियंका मुजफ्फरनगर में थी, वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंची, लेकिन उसके बाद जो वो कहती हैं, वो खुद विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाता है। क्या हिंसा के नाम पर राजनीति करना जायज है विपक्ष की तरफ से? और आपको बता दें कि मायावती इसको लेकर कई बार प्रियंका गांधी वाड्रा को कह चुकी है कि वो राजस्थान क्यों नहीं जाती है, वहां पर पीड़ित माओं से क्यों नहीं मिलती है, उन्हें इतनी चिंता है। अगर तो एक बार फिर से अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि ये संवेदनहीनता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रही है। तो मायावती इससे पहले भी तल्ख टिप्पणी कर चुकी हैं प्रियंका पर और अशोक गहलोत सरकार पर। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द उन्हें इस समस्या का समाधान निकालना होगा।
तो प्रियंका गांधी लखनऊ जाती हैं, मेरठ जाती हैं, मुजफ्फरनगर जाती हैं, लेकिन राजस्थान नहीं जाती, जबकि वहां पर कांग्रेस की ही तो सरकार है, तो फिर वहां क्यों नहीं। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। ये तस्वीरें उस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं जब ओम बिरला पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। मुकेश सोनी कोटा से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मुकेश, ओम बिरला तो पहुंचे हैं, उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात भी की है, सरकार की तरफ से क्या कोई बड़ा मंत्री गया है राज्य सरकार की तरफ से, और क्या लग रहा है कब थमेगा ये मौत का आंकड़ा? बिल्कुल प्रयोधी, देखिए आला कमान के निर्देश के बाद आला कमान ने जब नाराजगी जाहिर की कि 106 बच्चों की मौत हो चुकी थी, उसके बावजूद जो है सरकार का कोई जिम्मेदार मंत्री जो है कोटा का उसने दौरा नहीं किया था, केवल एक हेल्थ सेक्रेटरी को यहां भेजा था, तीन डॉक्टरों की कमेटी के साथ अधिकारी जो है वो आए और जांच करके चले गए, लेकिन जिम्मेदार मंत्री जो है महकमे के जिम्मेदार मंत्री वो यहाँ नहीं पहुंचे थे। उसके बाद जो है आला कमान ने नाराजगी जाहिर की, उसके बाद जो है चिकित्सा मंत्री और परिवहन मंत्री जो कि जिला प्रभारी मंत्री भी है, वो दोनों मंत्री जो है कल यहाँ आए थे घटना के 10 दिन बाद, और उन्होंने पूरे हालातों का जायजा लिया है, मैराथन बैठक ली है, और बैठक का नतीजा कुछ नहीं निकला है, केवल वो जो है 15 दिन का समय देके चले गए कि 15 दिन में, आने वाले 15 दिन यानी 15 जनवरी तक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन जिम्मेदार इस मामले को लेकर कौन था, इसका जवाब उनके पास नहीं था। आज दो मंत्री भी और आ रहे हैं, डिप्टी सीएम जो है वो आज खुद यहाँ आ रहे हैं, सचिन पायलट आ रहे हैं, उनके साथ रमेश मीणा भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उनका संसदीय क्षेत्र है, वो आज कोटा के दौरे पर है, उन्होंने आज पीड़ित परिवारों के घर घर जाकर जो है पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है और पीड़ितों को ढांढस पहुंचाया है, और साथ ही जो है आर्थिक मदद भी उनकी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जाइए, आपकी सरकार है राज्य में, आप जाइए मिलने के लिए पीड़ित परिवारों से, लेकिन आप जाकर करेंगे क्या? आप समस्या का समाधान निकालने के लिए हैं, समस्या पैदा करने के लिए नहीं है वहां पर। बिल्कुल, देखिए आज भी जिस तरीके के हालात यहाँ बन रहे हैं, आज डिप्टी सीएम जो है सचिन पायलट, उनको जेकेलोन अस्पताल आना है, वो जेकेलोन अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, लेकिन अस्पताल को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, वहाँ पुलिस जाब्ता लगा दिया गया है, अधिकारियों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, मीडिया कर्मियों को बाहर रोका जा रहा है, तो आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, आप क्या छुपाना चाहते हैं? जो भी चीज है वो सार्वजनिक रहना चाहिए, मीडिया को मीडिया के लिए पाबंदी कर दी गई है, तो ये कहीं ना कहीं संवेदनहीनता जो है वो दर्शाता है कि जिस तरीके से सरकार लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, उन्होंने वहां पर क्या कहा वो भी सुनवाते हैं। मैंने अस्पताल में खुद व्यक्तिगत रूप से भी करके गया था और मैंने देखा कि वहां पर जिस तरीके हालात हैं, हालात ठीक नहीं है, उन हालातों को ठीक करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए। मानव संसाधन की आवश्यकता हो, नर्सिंग और डॉक्टर हैं उनको भी लगाना चाहिए, उपकरणों की आवश्यकता है तो उपकरण भी ठीक कराना चाहिए और त्वरित गति से करना चाहिए, क्योंकि ये एक बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर रेफर होकर बच्चे आते हैं, इसलिए यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल की आवश्यकता है। सरकार प्रस्ताव बनाए, उनको कहीं आवश्यकता होगी, कमी होगी, तो मैं इस लोकसभा क्षेत्र का जन्मदिन होने के नाते मैं राज्य सरकार को हर तरीके से सहयोग करने को तैयार। एक बात तो तय है कि जवाबदेही से पक्ष हो या विपक्ष, कोई पीछे नहीं हट सकता। बहरहाल अब बात करेंगे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के जुल्मों से तम पर विपक्ष चुप क्यों रहता है, ये बड़ा सवाल है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार के मामले में पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब गुरुद्वारा में पत्थरबाजी का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में भीड़ गुरुद्वारे को घेर कर सिखों के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, उन्हें पाकिस्तान से भगाने की धमकी दे रही है। इस्लाम कल भी जिंदा थी, इस्लाम आज भी जिंदा है। पाकिस्तान के ननकाना साहिब में शुक्रवार की शाम को जो कुछ हुआ उसने एक बार फिर पाकिस्तान के अल्पसंख्यक विरोधी और अत्याचारी चरित्र को उजागर कर दिया। ननकाना साहिब वही जगह है जहां सिखों के पहले गुरु गुरु नानक का जन्म हुआ था।
जहाँ शुक्रवार को गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश उत्सव के दिन पवित्र स्थल को बहुसंख्यक मुसलमानों ने घेर लिया। ननकाना साहिब गुरुद्वारे के चारों तरफ मौजूद ये भीड़ सिखों को पाकिस्तान छोड़ने के लिए नारे लगा रही थी और इसी भीड़ में मौजूद कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे थे। इतना ही नहीं, इन लोगों ने ननकाना साहिब का नाम बदलकर गुलाम मुस्तफा कर देने की भी धमकी दी है। वहां पे नारे लगाए जा रहे हैं सिखों को पाकिस्तान से बाहर निकालो, ननकाना से बाहर निकालो, और ये भी कहा जा रहा है कि ननकाना साहिब का नाम जो है वो बदल कर जो उनके कोई धार्मिक गुरु उनके नाम से किया जाए और सिखों को वहां से बाहर निकालने के उन परिवारों के घरों में जाकर धमकियां दी जा रही हैं। ये विषय जो जगजीत कौर है जो बेटी अगवा की गई थी 3 महीने पहले उसके परिवार को लेकर शुरू हुआ क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया था जगजीत को वापस किया जाए, तो आज उसके परिवार के ऊपर दबाव बनाने के लिए उन्होंने ये घटनाक्रम शुरू हुआ था। गुरु गोविंद सिंह के गुरु पर्व पर यहाँ अखंड पाठ होने वाला था लेकिन बाहर जमा भीड़ की वजह से भजन कीर्तन रद्द करना पड़ा। सिख समुदाय के लोग काफी देर तक गुरुद्वारे के अंदर फंसे रहे। इस भीड़ की अगुवाई मोहम्मद हसन नाम के एक व्यक्ति का परिवार कर रहा था। मोहम्मद हसन वही व्यक्ति है जिस पर गुरुद्वारे के ग्रंथी साहिब की बेटी को अगवा करने और जबरन धर्मांतरण कर निगाह करने का आरोप है। आरोपी जेल में है और अदालत ने लड़की को उसके परिवार को सौंपने का आदेश दिया है। इसी से नाराज आरोपी का परिवार सिखों को धमकी देने गुरुद्वारे तक आ पहुंचा। ननकाना साहिब में खुलेआम सिखों को धमकाया जा रहा था लेकिन पाकिस्तान के पीएम इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर इस चिंता में दुबले हो रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कथित तौर पर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। इस झूठ को सच बनाने के लिए इमरान खान ने फर्जी वीडियो भी ट्वीट कर डाला। हालांकि उनका ये झूठ कुछ ही देर में पकड़ा गया और पता चला कि जिस वीडियो को वो यूपी का बता रहे हैं वो बांग्लादेश का है और 7 साल पुराना है। असलियत उजागर होते इमरान खान ने वो वीडियो और ट्वीट को डिलीट कर दिया। अच्छा होता कि अगर इमरान खान ने उन सिखों की बात की होती जिनके ऊपर आज हमला हुआ है, बजाय इसके काउंटर करने के लिए जिन्होंने हस्ता अपनाया है। मैं समझता हूं एक देश के प्रधानमंत्री कोई शोभा नहीं देता। बहुत घटिया किस्म की उन्होंने उसका काउंटर ढूंढा है जो कि अभी उनको वापस करना पड़ा और वो डिलीट भी करना पड़ा। आपको याद दिला दे कि ये वही इमरान खान हैं जो कुछ दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर को लेकर बड़ी लंबी चौड़ी डींगे हांकते थे और बातें करते थे कि अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर पाकिस्तान कितना संजीदा है। आज उसी पाकिस्तान में अल्पसंख्यक सिखों पर हमले किए जा रहे हैं और उनके धार्मिक स्थल पर पथराव किया जा रहा है, क्योंकि यही दोहरा चरित्र ही पाकिस्तान की पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तो इंटरनेशनल बेइज्जती इतनी बार हो चुकी है, उसके बाद भी वो बाज नहीं आ रहे। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे हर एक अपडेट के साथ।